नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई आज आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक जबरदस्त एफएल स्टूडियो का बिगिनर्स लेवल का एक ट्यूटोरियल लेके। शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए, इसमें आपको दिखाया जाएगा कैसे एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बनाया जाता है एफएल स्टूडियो के हेल्प से। और जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। विभिन्न बहुत ही इसमें जो प्लगइन्स होता है एफएल स्टूडियो का, स्टॉक प्लगइन्स और थर्ड पार्टी प्लगइन्स, सबका यूज़ मैं इसमें किया हूँ। और वो प्लगइन्स का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे मेलोडी को, कैसे कॉर्ड बनाया जाता है, कैसे मेलोडी को इम्प्रूव किया जाता है, कैसे प्रोग्रेशन किया जाता है, ड्रम को कैसे सजाया जाता है, बेस गिटार को कैसे दिया जाता है, ये सब कुछ दिखाया जाएगा इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। जो लोग इस चैनल में अभी तक नए हों उन लोगों के लिए मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एफएल स्टूडियो या फिर म्यूज़िक रिलेटेड या फिर कोई किसी भी टेक्निकल रिलेटेड वीडियो मैं इसमें डालता रहता हूँ, तो ये वीडियो बहुत हेल्प करता है आप लोगों को। बहुत कमेंट्स आते हैं मुझे, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्त लोगों में ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, किसी ना किसी को तो हेल्प हो ही जाएगा। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर एफएल स्टूडियो खुला हुआ है, ये एफएल स्टूडियो 20 है। और सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इसका जो बीपीएम है मैंने 90 में सेट कर दिया हूँ। इसका बीपीएम यहाँ पर जाके अगर माउस को नीचे या ऊपर के ड्रैग करेंगे तो इसका बीपीएम चेंज होता है। तो मैं इसको 90 कर देता हूँ, ये 90 हो गया। इस ट्यूटोरियल के लिए आपके पास तीन प्लगइन्स मस्ट होना चाहिए। एक है पूरा फ्री ड्रम जो सेक्शन के लिए, वो है एमटी पावर ड्रम किट, वो प्लगइन्स आपको होना चाहिए। तो और नेक्सस होना चाहिए आपको, गिटार रिग भी होना चाहिए और एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सैक्सोफोन होना चाहिए, सैक्सोफोन के प्लगइन्स। तो चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पैटर्न वन है मेरा इंस्ट्रूमेंट में। किसी भी इंस्ट्रूमेंट अभी तक मैंने यहाँ पर लाया नहीं हूँ, अभी पहला इंस्ट्रूमेंट इसमें लाऊँगा। यहाँ पर प्लस साइन देख रहे हैं, इस प्लस साइन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मेरे पास ये जो एमटी पावर ड्रम किट वाला जो है, ये पहले मैं इसमें कॉल करूँगा इसको। चलिए इसको कॉल कर दिया, ये पूरा फ्री है, एकदम पूरा फ्री है। आप इसको इसका जो ये देखिए लिखा हुआ है, येस इट्स फ्री, आप इसको अपना प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। पहले ये दिखाएगा एक ऐड, उसके बाद इसको स्किप कर देना है, मैंने स्किप कर दूंगा। इसके बाद ये देखिए ये प्लगइन्स खुल गया है और यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। इसका सबसे मज़े की बात ये है कि इसको आप ग्रुप्स में बजा सकते हैं, इसका पैटर्न दिया हुआ है, बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉ करने से ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं ग्रुप्स में चलाऊंगा पहले, और पहले इंट्रो ले लूँगा मैं, यहाँ पर इंट्रो में जा रहा हूँ। और इंट्रो में जो जाऊँगा वहाँ पर जो 8 वाला इंट्रो है, मतलब इंट्रो 8, इसको हम सुनेंगे पहले। एकदम सही है, मुझे यही वाला इंट्रो चाहिए। तो इसको कॉल करना है पैटर्न वन में, तो इसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर इसका जो पियानो रोल है, पियानो रोल को खोलना होगा। पियानो रोल को खोल दिया हूँ और इसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा और जो ये वाला 8 जो है इसको मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉ कर दूँगा पियानो रोल में। देखिए यहाँ पर इसको पकड़ा और यहाँ पर पियानो रोल में छोड़ दिया, यहाँ पर देखिए ये आ गया है पियानो रोल में। ये पैटर्न वन में ले लिया हूँ, एक बार सुनते हैं बजा के। यहाँ पर पैटर्न सेलेक्ट हुआ है, सॉन्ग में सिलेक्ट मत कीजिए, पैटर्न में सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये हो गया। अब पैटर्न टू में जाएंगे, पैटर्न टू एम्प्टी हो गया, पैटर्न वन में आपको दिखाई देगा, पैटर्न टू में जाएंगे कुछ नहीं है। अब फिर से इस पर आ जाऊँगा, अब इसमें जो मेन ड्रम सेक्शन है वो उसको लूँगा, उसको कॉल करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए 8 क्रॉस हिट हैट जो है उस पर एक है
8 वाला, इसमें भी जो 8 वाला जो है उसको मैं सुन लूंगा पहले, देखिए। ये है, इसको कॉल करूंगा, यहां से स्टॉप कर दूंगा वो। और एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये 4/4 बीट का मैं बना रहा हूं, तो यहां पर 3 बार से आप 3 बार्स मत लीजिए, यहां पर इसको आप कीजिए पहले 4 बार सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको ड्रैग कीजिएगा। अब पियानो रोल में इसको ड्रैग करना है, पैटर्न 2 सिलेक्ट है, देख ले दे, आपको देख लेना है कि पैटर्न 2 है कि नहीं। उसके बाद इसको पैटर्न 2 में कॉल कर देंगे और ये पैटर्न 2 में देखिए 1 2 3 4 4 बार तक ये चला आया है। अब इसको सुन लूंगा मैं, आ गया है। अब पैटर्न 3 में चला जाऊंगा, फिर से पियानो रोल खाली हो गया मेरा। अब इसका जो फिलर है वो फिलर को लेंगे, और इसके लिए फिलर में सुन लूंगा कौन सा वाला अच्छा होगा, डबल क्लिक, ठीक है। ये वाला चाहिए मुझे, तो ये 9 वाला को मैं पियानो रोल में कॉल करूंगा, फिल 9 को, इसको पियानो रोल में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और ये आ गया। अब इसको सुन लूंगा मैं एक बार, बहुत ही इजी है। तो मेरा पावर ड्रम किट का जो ड्रम सेक्शन है, इंट्रो, मिडिल पार्ट और जो फिलर है वो मैं ले लिया हूँ। अब इसको काट दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तीनों पैटर्न आ गया है, आप देख लिए हैं। अब पैटर्न का मैं नाम इसको दे दूंगा, यहाँ पर दे दूंगा ड्रम इंट्रो, रीनेम कहाँ गया, रीनेम एंड कलर, इसका कलर कुछ रेड में रखता हूँ उसको, और इसका नाम दे दूंगा DRUM ड्रम INTRO इंट्रो। इसका ये मिडिल सेक्शन है, इसको मैं नाम दूंगा रीनेम एंड कलर, सॉरी रीनेम एंड कलर, इसका कलर भी मैं थोड़ा रेड में ही रखता हूँ। इसका नाम दूंगा होच्छे ड्रम DRUM ड्रम 01, और इसका नाम दूंगा मैं फिलर रीनेम एंड कलर में जाके, यहाँ पर इसका ये वाला कलर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर रख दूंगा फिलर DRUM ड्रम फिलर FILL या फिलर, एंटर। ये मेरा ड्रम सेक्शन आ गया है। अब मेरा अब तक एक ही इंस्ट्रूमेंट इसमें कॉल किया हूँ इसमें, अब सेकेंड में कॉल करूँगा REFS Nexus को कॉल करूँगा। ये देखिए REFS Nexus को मैंने कॉल कर लिया, और यहाँ पर मुझे पियानो चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पहले पियानो में आ जाऊँगा। पियानो में आने के बाद यहाँ पर देखिए PN Ballad Grand Piano ये वाला प्लगइन्स मुझे चाहिए, डबल क्लिक करने से ये लोड हो जाएगा। अब लोड हो गया है, अब राइट क्लिक पियानो रोल, और ये पियानो रोल खुल गया है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट आप कॉल करेंगे उसके बाद आपको नया पैटर्न लेना है। ये देखिए मेरा तीनों ड्रम का पैटर्न इधर सेट हो गया है, ड्रम इंट्रो, ड्रम 1 एंड ड्रम फिल्टर या फिलर। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो नेक्सस का पियानो रोल खोल दिया हूँ, इसको जब भी करूँगा तो नया पैटर्न में करना होगा, या तो ये डिफ़ॉल्ट नेम लेता है पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, लेकिन इसको मैं रीनेम किया हूँ, इसलिए जो रीनेम किया है वही नेम इसको यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर देखिए अभी ये लाल सिंबल आप देख रहे हैं, लाल सिंबल, ये लाल सिंबल का मतलब है ये एक्टिव पियानो रोल में है ड्रम फिलर के। अब मैं यहाँ पर जाके माउस स्क्रॉल को घुमाऊँगा तो पैटर्न 4 आ जाएगा, यहाँ पर नया पैटर्न आ जाएगा, और यहाँ पर मैं जाके अब एक कॉर्ड बनाऊँगा इस प्लगइन्स के साथ। तो वैसे तो ये डी मेजर के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉर्ड बनाऊँगा जो सिर्फ डी मेजर के ऊपर होगा। तो D5 से मैं शुरू करूँगा, यहाँ पर देखिए ये D5 है, ये D5 मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसको मैं बढ़ा कर लूँगा, ये देखिए इसको मैं 1 तक लेके आ गया हूँ, और
इसका जो कॉर्ड है डी मेजर का, डी एफ शार्प और ए, ये हो गया एक। यहाँ पर मैं और एक छोटा सा डी लगा दूंगा यहाँ पर, इसको यहाँ से छोटा कर दूंगा। अब इसके बाद कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाऊंगा, ये सी शार्प होगा, यहाँ पर और एक सी शार्प लगाऊंगा मैं, और उसके बाद फिर से डी लगाऊंगा। एक मिनट, मैं इसको लंबा कर लेता हूँ, लंबा कर लिया हूँ। उसके बाद फिर से डी लगाऊंगा मैं, सॉरी यहाँ पर जी, जी कॉर्ड चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर जी बी और इसके साथ डी आएगा, यहाँ पर ये डी होगा। लेकिन इस डी को मैं यहाँ नहीं, इसको क्लिक सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे ला दूँगा, कंट्रोल और डाउन एरो, ये एक स्टेप नीचे आ जाएगा। और उसके बाद फिर से डी, अब मैं सुनूंगा इसका कॉर्ड कैसा इसका साउंड दे रहा है। इसको मैं, बहुत ही अच्छा कॉर्ड का प्रोग्रेशन बन गया है, डी सी शार्प डी जी एंड डी। ये आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर मोबाइल से स्क्रीनशॉट कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको दिमाग में रहना है कि इसी तरह से कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाना है। अब इसका रीनेम कर दूंगा यहाँ पर, ये कार्ड देता हूँ मैं इसको, इसका रीनेम कर दिया, रीनेम एंड कलर, इसका ग्रीन में रखूँगा इसका, और यहाँ पर नाम, यहाँ पर इसका नाम दे दूँगा पी आई ए एन ओ पियानो सी एच ओ आर डी पियानो कॉर्ड। अब दूसरा इसका पियानो रोल में चला जाऊँगा, पियानो रोल, अब पियानो रोल में आ गया हूँ। अब यहाँ पर इसका मेलोडी बनाऊंगा, इसका मेलोडी देखिए कैसे बनाता हूँ। डी फाइव से शुरू होगा मेरा मेलोडी, यहाँ पर छोटा छोटा करके दो, आप इसको ये कर सकते हैं, इसका पिक्चर भी खींच सकते हैं, एफ शार्प और कॉर्ड प्रोग्रेशन के हिसाब से यहाँ पर सी शार्प आएगा, सी शार्प आएगा, उसके बाद ई आएगा और उसके बाद ए आएगा और यहाँ पर ए फोर और एक चाहिए मुझे, बेस भी ए में चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा हटा दूंगा, यहाँ से होगा ये। अब उसके बाद बी फोर से शुरू होगा, बी फोर मैं दिखा देता हूँ आपको, बी फोर कहाँ है, ये बी फोर है, बी फोर में यहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि कॉर्ड आएगा दो बी फोर, उसके बाद सी फाइव, एक्चुअली में सी शार्प फाइव होगा, हाँ सी शार्प फाइव, उसके बाद डी, उसके बाद एफ शार्प फाइव, उसके बाद ई फाइव, उसके बाद डी फाइव। अब मैं इसको सुनूंगा कैसा बना है। आपने देख लिया, एक मेलोडी मैं तैयार कर लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में अब इसको मैं
एक एक करके सजाऊंगा। कैसे सजाऊंगा, पहले तो मैं इसका पियानो कॉर्ड में ले लूँगा। पहले यहाँ पर एक कॉर्ड ले लिया, दो तीन चार, उसके बाद जो पैटर्न फाइव है, पैटर्न फाइव को रीनेम कर लेता हूँ मैं पहले। इसका रीनेम करना भूल गया था, रीनेम मेलोडी पी आई ए एन ओ पियानो एम ई एल ओ डी वाई पियानो मेलोडी, और इसका कलर ये वाला कलर रखूँगा और एंटर दबा दूँगा। ये आ गया। अब पियानो मेलोडी में यहाँ पर ले लेता हूँ, आप ये कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, जो सिलेक्ट हुआ है कंट्रोल बी करेंगे तो ये पेस्ट होता जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको यहाँ पर ले लूँगा, एक बार सुन लेता हूँ पहले, इस सॉन्ग में चला आया है, अब सुनूँगा। सुन लिया हूँ। अब ड्रम का इंट्रो आएगा ठीक यहाँ से, ये ड्रम का इंट्रो है, ये इंट्रो यहाँ से आएगा। अब उसके बाद ड्रम का पैटर्न इधर से शुरू हो जाएगा और ये कंट्रोल बी करके मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगा। तीनों में फील हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेप इसको छोटा कर दूंगा मैं, और इसका जो फिलर है फिलर को यहाँ पर बैठा दूंगा। ये फिलर सेट हो गया। अब सुनते हैं कैसा बना है। देख लिया, बहुत ही अच्छा ड्रम के साथ एक मेलोडी बन गया है विथ कॉर्ड के साथ। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, इसके बाद इसमें और सारा प्लगइन्स लोड करेंगे और सारा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसके बाद इसको प्रोग्रेस करते जाएंगे धीरे 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 धीरे। मैं ज़्यादा इसका बिग फाइल बनाना नहीं चाहता हूँ, ड्यूरेशन इसका बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, दो या चार पार्ट में इसको कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसका जो FLP है मतलब इसका जो फाइल है ये मैं अपलोड कर दूंगा, और इसका जो पासवर्ड होगा वो जिप फाइल में होगा, उसका पासवर्ड मैं अगले ट्यूटोरियल में बता दूंगा आपको। आज इस वीडियो में इसका लिंक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये इतना छोटा लिंक अपलोड करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सेकेंड पार्ट में ज़रूर मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा, आप डाउनलोड करके अपना मशीन में इसको बजा सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़। सब लोग अच्छे से रहिएगा, और कोरोना अभी तक गया नहीं है, सब लोग मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि आप सुस्त रहेंगे अच्छे रहेंगे तभी मेरा वीडियो देख पाएंगे और अपना म्यूज़िक को और डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।